आज अब्बास शेख और साकी मंजू मारा गया। अब्बास शेख अपने आप को ERF का चीफ मानता था, जबकि रियलिटी में साकी मंजू और अब्बास दोनों LET तंजीम की वास्ता रखता था। और जांच खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहां पर घेरा और उनको चैलेंज किया, और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस फायरिंग में दोनों टेस्ट मारे गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा आप सब जानते हैं कि अब्बास से कितना आतंक फैला रखा था, नए लड़के को मोटिवेट करता था ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए। परेशान थे पेरेंट्स लोग, फैमिली मेंबर परेशान थे। मैं पेरेंट्स को उनके यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ, अपने बच्चों को ट्रेनिंग जाने मत दे, जो चला गया उसको वापस लाए, हम लोग वेलकम करेंगे। श्रीनगर में जो भी किलिंग हुई वो इन्हीं ने की थी? बिल्कुल, अब्बास शेख के इशारे पर साकी मंजूर किलिंग किया था, और जो चार टेररिस्ट बच गया ये भी इसमें इन्वॉल्व है। आज अब्बास शेख और साकी मंजूर मारा गया। अब्बास शेख अपने आप को ERF का चीफ मानता था, जबकि रियलिटी में साकी मंजूर और अब्बास दोनों LET तंजीम की वास्ता रखता था। और जांच खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहां पर घेरा और उनको चैलेंज किया, और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस फायरिंग में दोनों टेस्ट मारे गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा आप सब जानते हैं कि अब्बास से कितना आतंक फैला रखा था, नए लड़के को मोटिवेट करता था ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए। परेशान थे पेरेंट्स लोग, फैमिली मेंबर परेशान थे। मैं पेरेंट्स को उनके यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ, अपने बच्चों को ट्रेनिंग जाने मत दे, जो चला गया उसको वापस लाए, हम लोग वेलकम करेंगे। श्रीनगर में जो भी किलिंग हुई वो इन्हीं ने की थी? बिल्कुल, अब्बास शेख के इशारे पर साकी मंजूर किलिंग किया था, और चार टेररिस्ट बच गया ये भी इसमें इन्वॉल्व है।